कौन सी जगह? ये कश्मीर है, कश्मीर, इंडियन कश्मीर के पाकिस्तानी कश्मीर, इंडिया का कश्मीर है। वो भी अपना ही आएगा इंशाल्लाह। सर सिर्फ बातों से? यार इंशाल्लाह आएगा, जरूर आएगा। कैसे आएगा? मौजूदा जो सिनेरियोज हैं, मौजूदा जो पूरे मुल्क के हालात हैं, अगर हम कश्मीरी को ये कहें, कश्मीरी को कि भाई आप पाकिस्तान में आ जाओ, पाकिस्तान के लाहौर के अंदर क्या क्या हालात हैं, यहाँ पर शेलिंग हो रही, लोग आज़ादी के लिए मर रहे हैं, क्या समझते हैं? वो उन्हें हम बुलाएंगे, वो सब कुछ, इतनी सारी फैसिलिटी छोड़ के हमारे पास आएंगे? देखें, एक चीज़ जहन में रखें कि इंडिया, इंडियन कश्मीर जो है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वो अपनी आज़ादी के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, 75 साल से। अच्छा। और वो ये डेवलपमेंट, उसको कोई फ़र्क नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक स्टेट ने उसको डेवलप कर दिया हुआ है, उसको एक फैसिलिटेट कर दिया, कुछ चीज़ें दे दी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आज़ादी मिल गई। हक़ खुद इरादियत जो है वो उनका बुनियादी हक है, वो उनको मिल के रहेगा इंशाअल्लाह ताला, हमारा यकीन है, ठीक है? वो आगे उनकी मर्ज़ी है, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो आज़ाद रहना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन हम ये समझते हैं कि यार उनको वोट का हक मिलना चाहिए, जिससे वो बता सकें कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, या इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इतनी पूरी दुनिया, यूएन का रेजोल्यूशन भी जारी हुए थे, रेजोल्यूशन पर ना उन्होंने अमल किया, ना हमने अमल किया? कश्मीरी, कश्मीर का मसला लैंड है या फिर पब्लिक है? पब्लिक है, लैंड इशू नहीं है। लैंड इशू इंडिया के लिए लैंड इशू है, क्योंकि वो एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक रिसोर्सफुल वो है, इलाका है। ठीक हो गया, मैं आपकी बात को एग्री हो गया, हमारे लिए लैंड इशू नहीं है, हमारे लिए पब्लिक इशू है। सर आपको रिसर्च करते हैं, मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सर कश्मीर के अंदर, ठीक है, आपने कहा जुल्म हो रहा, आपने आपने रिसर्च किया चाइना के अंदर तिब्बत और कश्मीर के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वहाँ पर उन मुसलमानों के लिए कभी हमने बात नहीं की। उसके बाद फलस्तीन के अंदर, इसराइल के अंदर क्या हो रहा है, कभी हमने वो मुसलमानों के बारे में बात नहीं की? कहीं ना कहीं सर हमारा हमारा फोकस भी तो लैंड ही है ना। देखिए, हम लोग कश्मीर के ऊपर ज़्यादा बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा, जिसे कहते हैं ना, हमारी शहरग है। क्या है? पब्लिक है कि लैंड है? शहरग है, पब्लिक, ऑब्वियसली पब्लिक से ही मुल्क बाद में आता है, हमारी शहरग है, वो कायदे आज़म ने फरमा दिया हुआ है, ठीक है, कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। वो इंडिया भी कहता है हमारा अटूट अंग है, इंडिया भी कहता है अपना हमारा अटूट अंग है, तो फिर वो क्यों नहीं वो करवा देता? आप पाकिस्तानी हैं, मेरी बात सुने, आप एक लॉजिकली सोचे, दिमाग से सोचे, आप पाकिस्तानी, आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर? आपकी ज़िंदगी आसान हो, आप काम के लिए जाते हैं, आपके रोज़गार जो कमाई लेकर आए, आपके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़े, आपको रोज़गार अच्छा मिले, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिले, आपको आटा लेने जाए हर चीज़ आपको सस्ते दाम में मिले, जितनी आप सैलरी लेते हैं उससे अच्छे दाम पर आपको मिले, लेकिन देता हूं, उसके मुताबिक मुझे वो फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, उसके मुताबिक मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही। एक चीज़, दूसरी चीज़ आप जहन में रखो कि ये जो कश्मीर का इशू है ना, ये क्रिएट किया गया था उस वक्त दो मुल्कों को आपस में, यानी कि ये एक हड्डी फेंक दी और दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, कुत्ता नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि दो मुल्क आपस में एक कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। ये इशू जो था, ये इंटरनेशनल इशू था, है और रहेगा जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा। दूसरी चीज़ आप ये देखो, बहुत सारा असला कश्मीर के ऊपर इंडिया भी खरीदता, पाकिस्तान भी खरीदता, ठीक है, 80% अपनी GDP, हाँ, 80% इंडिया खरीदता, हमारा तो 80% नहीं है, हमारा हमारे 80% से ज़्यादा ही है सर, कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा ही। नहीं 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 नहीं, मैं अभी क्योंकि ये मैं पाकिस्तान की सियासत और मौजूदा हालात पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता क्या हालात चल रहे हैं, और बंदे को वो देखो, वीको डाकले भी बड़ी जगह घूमते फिरते हैं, तो मैं इसलिए उस जगह पर नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ एक चीज़ बात करूँगा, कश्मीर का जो इशू है वो जिस वक्त, जब तक रिजॉल्व, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब तक रिजॉल्व नहीं होगा ना, इस रीजन में अमन नहीं होगा। एक चीज़ जहन में, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप खुल के बोले ना यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ रहेगी आप मुझे ये बताओ? अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ बोल रहा है, बता रहा है क्या हो रहा है? नहीं बोल रहा ना। अब मैं यहाँ पे बोल के अगले दिन पता चले जी मैं कहाँ गया, मेरे बीवी बच्चे माँ और मैं, बोलो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताते रह के बात करता हूँ कि ये एक इशू, इंटरनेशनल इशू है, इसके ऊपर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट खेल रही हैं। वो किसान खेल रही हैं, वो पाकिस्तान को भी खिला रही हैं, वो इंडिया को भी खिला रही हैं। वो क्या करती हैं, अपने चीज़ें इनको बेचती हैं, अपने असला बेचती हैं, अपने बड़ी चीज़ें हैं जो इनको यहाँ इस हवाले से कि यार कश्मीर, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो कहते हैं हमें इतना असला चाहिए, वो कहते हैं हमें 10 F-16 दो, वो कहते हैं हमें 20 F-16 दो, वो कहते हैं हमें 10 टैंक्स दो, वो कहते हैं हमें 100 टैंक दो। तो क्या हुआ, बेच कौन रहा है? इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट।
तो ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का इशू है, वो कभी भी इसको रिजॉल्व नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा ईमान है इंशाल्लाह ताला कश्मीर आजाद होगा। एक दिमाग से कश्मीर का मसला निकालें, कश्मीर का दिमाग से एक मिनट कश्मीर का मसला निकाल दें, निकाल के आप जरा सोचे कि अगर इंडिया की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पीछे चले जाएं, आज से 100 साल 1000 साल पीछे चले जाएं, एक ही रीजन से थे ना सर, अभी भी रीजन एक ही है, एक ही मुल्क, एक ही कौम है, रंग देखें उनका भी ब्राउन है, हमारा भी ब्राउन है सर, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमने बीच में अपने लिए नफरतें और मसाइल खुद पैदा की? इस इशू, ये एक जिसे कहते हैं ना कि ये एक मेन इशू है, इसके बाद बाकी रिजॉल्व हो जाएंगे, ये इशू रिजॉल्व नहीं किया जा रहा इसी वजह से नहीं। अब देखो, अब कई एक गाड़ी जो पाकिस्तान में 20 लाख की है, इंडिया में 2.5 लाख की है, 4 लाख की है, ठीक है, हम इंडिया से अगर इम्पोर्ट करते हैं तो वो तो हमें 7 लाख की पड़ जाएगी, लेकिन हम लोग नहीं इम्पोर्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारा दुश्मन है इंडिया, हमारे से कई चीज़ें हैं, हमारे यहाँ पे चीनी बहुत सस्ती है, उधर उधर सस्ती है, इधर महंगी है, उधर नमक बहुत महंगा है, इधर नमक सस्ता है। अब यहाँ से नमक इंडिया के साथ जाता है थ्रू दूसरे मुल्क से, उधर जाता है, उधर पैकिंग होता है, फिर इंडिया जाता है, इंडिया अपना लेबल लगाता है, वो आगे बेच देता है। ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो रिजॉल्व होनी चाहिए और होंगी, उसकी वजह से इस रीजन में हमारे यहाँ से खाली नमक जाता, हमें सिर्फ नमक का पता, आपको पता कि मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, मेडिकल के जितने भी हालात, सारे इंडिया दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर है, इंडिया से आता है, आज टमाटर प्याज हम भी आज भी इंडिया से लेते हैं बजरिए दुबई, इतना सब कुछ करने के बाद भी फिर भी नहीं बनते, दुबई लेते हैं या स्मगल्ड होके आता है, या स्मगल्ड होके आता है, बिल्कुल भूल जाना चाहिए ना, भूलना चाहिए, लेकिन पता क्या, ये हुकूमतें जो है ना, इनके अपने मफाद हैं जिसकी वजह से ये रिजॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल सही हो गया, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। उसके अलावा कोई बॉर्डर नहीं है, ये पता कौन सी जगह, कौन सी जगह बता, जम्मू एंड कश्मीर है, या ये हो सकता है, मैंने पहले क्या कहा था, पाकिस्तान लग रहा है, कहा ना पाकिस्तान, ये अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तान की है ना, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ये श्रीनगर है, श्रीनगर हो सकता है, श्रीनगर है। आप अंदाजा लगाएं कि डेवलपमेंट के साथ स्मार्ट सिटी बनाई है जिसके अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की हुई है, बताएं आप, हम अपने कश्मीर को विजिट किया आपने? जी आजाद को किया हुआ है, आजाद कश्मीर को, कहां तक गए? ताऊबट तक, ताऊबट तक गए हैं, क्या डेवलपमेंट की कोई कमी नजर आई या डेवलपमेंट है वाकई में? मैं क्योंकि एज जो मैं तो विद यानी कि जो जो मेरा क्या कहते हैं पाथ था वो तो सीधा टूरिज्म के हवाले से था, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा काम होने वाला है अगर आप उसको इस नज़रिए से देखते हैं, इस वीडियो से अगर आप कंपेयर करते हैं, और बाकी मेजर सिटीज़ तो मैंने विजिट नहीं किया, आज़ाद कश्मीर वाज गुड, वहाँ पे अच्छी मार्केट थी रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, अवेलेबल थी, मार्केट्स भी थी, ब्रांड्स भी थे, सारी चीज़ें थी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इतने प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए जहां पर मुझे नहीं लगता, मैंने रिसर्च की, हमारे लाहौर के अंदर भी इतने प्रोजेक्ट नहीं जितने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो, अभी G20 की मीटिंग भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो रही है, मे बी के इंडिया जो जो स्टेप उन्होंने लास्ट 2 ईयर्स में लिए हैं तो वो वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इसको शायद को बेहतर करने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हों, क्योंकि अभी जो लेटेस्टली उन्होंने G20 भी मेरा ख्याल है वहीं पे मुनक्कद की हुई है, और टूरिस्ट को और इन्वेस्टर्स को भी वो उधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए कि शायद वो इस एरिया को प्रमोट करना चाह रहे हैं। दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दुबई अपना मॉल बना रहा है, अमौर मॉल दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा खलल डालने की कोशिश की, पाकिस्तान ने कहा कि भाई आप मुस्लिम कंट्री हो, आप कश्मीर को पाकिस्तान के रिलेटेड सपोर्ट करो, आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजूहत है कि इंडिया की हर जगह पर बोलबाला है, हर कोई मुल्क इंडिया के साथ इंटरेस्टेड इन्वेस्टमेंट करने में और उनके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप इस वक्त करंट सिनेरियो में देखें तो G20 का बायकॉट किया गया बाय द सऊदी, बाय द टर्की एंड बाय द चाइना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, उनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, और सेकेंड थिंग इज़ डैट के कश्मीर में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है अगर जम्मू कश्मीर को आप देखें, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छी अट्रैक्शन प्लेस है जहाँ पे इंडिया। साल मैंने एक स्टेटिस को नोट किया तो पिछले साल के मैंने सब स्टेट्स देखे तो दुनिया की जो टूरिस्ट मतलब के विजिट करती ना हर साल, तो मैंने देखा इंडिया दूसरे नंबर पर था श्रीनगर की वजह से, कश्मीर की वजह से। मे बी हो, मेरे पास मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी प्लेस है, ऑब्वियसली टूरिस्ट वहाँ पे होगा। एक हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी है कि क्या वाकई में आप एज अ पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि वहाँ पर कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है? देखें जी, जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से तो हम ये समझते हैं, और जो इंडिया के स्टेप्स हैं कि वो ऑक्यूपाइड हैं इस एरियाज़ पे, और जो UNO ने करारदाद भी पास की हुई है कि ये इस एरिया को एक इंडिपेंडेंट एरिया डिक्लेयर किया जाए, तो उस हिसाब से तो हम समझते हैं कि बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट्स ही उनके गज़ब किए हुए हैं।
अगर आप किसी जगह पे अपने आर्मी और उसके थ्रू आप अपनी स्ट्रेटजीज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं किसी भी आजाद रियासत पे, तो वो बेसिक राइट्स ही आपने उसके गजब कर लिया, तो वो वाकई जुल्म की कैटेगरी में आता है। एक चीज है कि एक तरफ रोटी छीन ली जाती है, दूसरी तरफ रोटी भी दी जाती है और आप कहते हैं आजाद भी हैं। मौजूदा जो सिनेरियोस पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, अगर इन सब हालात को देखते हुए क्या हम कश्मीर डिमांड करेंगे, तो क्या कश्मीरी पूरे जहां पर उनको आटा 25 रुपए केजी मिल रहा है और यहां पर 160 रुपए केजी है, वो सब छोड़कर इतनी फैसिलिटीज को वहां पर छोड़कर दुनिया के सबसे ऊंची ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मौजूद है, वो सारी फैसिलिटीज को अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये हालात है। लाहौर के अंदर ये सब कुछ सोचते हुए उन्हें हम दावत देंगे आप इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के पास हो, क्या वो आएंगे? मैं समझता हूं कि कश्मीरियों को बजाय कि इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड करने के बजाय दे शुड गिव देयर स्पेस और उनके पास अपने राइट्स होने चाहिए कि वो अपने मुल्क को एज ए इंडिपेंडेंटली चलाएं। और अभी अगर आज़ाद कश्मीर में भी मैं पिछले लास्ट दो साल पहले गया था, ये शायद लास्ट ईयर गया था,